दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है और इसकी वजह से सरकार ने अब ग्रैप 2 को लागू कर दिया है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली एनसीआर में सुबह के वक्त में खास तौर से सड़कों के ऊपर आपको आसमान में सफेद चादर जो है वो नजर आएगी और ये पूरी जो सफेद चादर है ये कोई धुंध नहीं है बल्कि इस मौसम में स्मोक जो एक तरह से बढ़ जाती है, जो प्रदूषण बढ़ जाता है वो है। और दिन में भी लोग जो है गाड़ियों की हेडलाइट ऑन करके चलते हैं। कई सारे रिस्ट्रिक्शन हालांकि सरकार की तरफ से लगाए गए हैं ग्रैप 2 में, खास तौर से ये कहा गया है कि कोई भी खुले में कूड़ा नहीं जलाएगा, इसके साथ साथ कोई भी जो जर्नसेट है उनको नहीं चलाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो खुले में कूड़े जलाने के साथ साथ जो बिल्डिंग का बनाने का जो काम है उसके ऊपर भी बैन किया गया है। इसके साथ साथ लोगों को भी सलाह दी जाती है, खासतौर से छोटे बच्चों को और जो बुजुर्ग लोग हैं खासतौर से जिनको सांस की बीमारी है उन्हें भी ये सलाह दी जाती है डॉक्टर्स की तरफ से कि वो जल्दी घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि स्मोक जो है सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण है इन्हीं लोगों को एक तरह से प्रभावित करता है। तो जाहिर सी बात है कि सरकारें हालांकि जरूर इस मामले पर एक दूसरे के ऊपर दोष दे रही हैं, चाहे वो पंजाब की सरकार हो चाहे हरियाणा की सरकार हो। पंजाब सरकार का कहना है कि हरियाणा की तरफ से जो है पराली जलाई जाती है जिसकी वजह से ये प्रदूषण बढ़ता है, और दिल्ली सरकार जो है वो लगातार हरियाणा पर आरोप लगाती है। इसी तरह से हरियाणा सरकार जो है वो लगातार ये कह रही है कि पंजाब के किसान जो है वो पराली जलाते हैं जिसकी वजह से इस मौसम में जो प्रदूषण है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो दिल्ली और एनसीआर के लोग होते हैं। हालांकि सरकारें अपनी तरफ से पराली ना जलाने को लेकर भी किसानों को एक तरह से जागरूक कर रही हैं, इसके साथ साथ उनके ऊपर कानूनी तौर के ऊपर भी कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस मौसम में लगातार जो प्रदूषण है वो बढ़ रहा है। सरकार ने हालांकि इस मौसम में ये भी कहा है खासतौर से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लोग इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ियाँ कम निकालें, इसके साथ साथ जो 10 साल पुराने जो डीजल वाहन है उनको सड़कों पर ना उतारें, 15 साल पुराने जो पेट्रोल वाहन है उनको सड़कों पर ना उतारें, और एक तरह से जो उद्योग इंडस्ट्री है उसको भी काफ़ी एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर भी लगाई गई हैं कि जेनसेट का इस्तेमाल वो ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इससे और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हालांकि अभी ये शुरुआत है और शुरुआत में ही अभी तक ग्रैप 2 लग गया है और आने वाले समय में माना जा रहा है कि प्रदूषण की जो मात्रा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में दिवाली है और दिवाली के समय में जो पटाखे चलाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनसे भी प्रदूषण बढ़ेगा। हालांकि दिल्ली एनसीआर में साफ तौर से बैन किया गया है कि कोई भी पटाखे नहीं जलाए जाएंगे बल्कि सिर्फ ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इन सब के बावजूद भी जब पटाखे जलते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनसे भी प्रदूषण बढ़ेगा और आने वाले दिनों में इस प्रदूषण की जो मात्रा है वो इस आबोहवा में और ज़्यादा जहरीली हो सकती है। तो इसलिए प्रदूषण से अगर बचना है तो इसके लिए खुद को भी सावधानियां बरतनी होंगी। धर्मवीर शर्मा, न्यूज 18, गुरुग्राम। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है और इसकी वजह से सरकार ने अब ग्रैप 2 को लागू कर दिया है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली एनसीआर में सुबह के वक्त में खास तौर से सड़कों के ऊपर आपको आसमान में सफ़ेद चादर जो है वो नजर आएगी, और ये पूरी जो सफ़ेद चादर है ये कोई धुंध नहीं है बल्कि इस मौसम में स्मोक जो एक तरह से बढ़ जाती है, जो प्रदूषण बढ़ जाता है वो है। और दिन में भी लोग जो है गाड़ियों की हेडलाइट ऑन करके चलते हैं। कई सारे रिस्ट्रिक्शन हालांकि सरकार की तरफ से लगाए गए हैं ग्रैप 2 में, खास तौर से ये कहा गया है कि कोई भी खुले में कूड़ा नहीं जलाएगा, इसके साथ साथ कोई भी जो जर्नसेट है उनको नहीं चलाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो खुले में कूड़े जलाने के साथ साथ जो बिल्डिंग का बनाने का जो काम है उसके ऊपर भी बैन किया गया है। इसके साथ साथ लोगों को भी सलाह दी जाती है, खासतौर से छोटे बच्चों को और जो बुजुर्ग लोग हैं खासतौर से जिनको सांस की बीमारी है उन्हें भी ये सलाह दी जाती है डॉक्टर्स की तरफ से कि वो जल्दी घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि स्मोक जो है सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण है इन्हीं लोगों को एक तरह से प्रभावित करता है। तो जाहिर सी बात है कि सरकारें हालांकि जरूर इस मामले पर एक दूसरे के ऊपर दोष दे रही हैं, चाहे वो पंजाब की सरकार हो चाहे हरियाणा की सरकार हो। पंजाब सरकार का कहना है कि हरियाणा की तरफ से जो है पराली जलाई जाती है जिसकी वजह से ये प्रदूषण बढ़ता है, और दिल्ली सरकार जो है वो लगातार हरियाणा पर आरोप लगाती है। इसी तरह से हरियाणा सरकार जो है वो लगातार ये कह रही है कि पंजाब के किसान जो है वो पराली जलाते हैं जिसकी वजह से इस मौसम में जो प्रदूषण है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो दिल्ली और एनसीआर के लोग होते हैं। हालांकि सरकारें अपनी तरफ से पराली ना जलाने को लेकर भी किसानों को एक तरह से जागरूक कर रही हैं, इसके साथ साथ उनके ऊपर कानूनी तौर के ऊपर भी कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस मौसम में लगातार जो प्रदूषण है वो बढ़ रहा है। सरकार ने हालांकि इस मौसम में ये भी कहा है खासतौर से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लोग इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ियाँ कम निकालें, इसके साथ साथ जो 10 साल पुराने
जो डीजल वाहन है उनको सड़कों पर ना उतारें, 15 साल पुराने जो पेट्रोल वाहन है उनको सड़कों पर ना उतारें, और एक तरह से जो उद्योग इंडस्ट्री है उसको भी काफ़ी एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर भी लगाई गई हैं कि जेनसेट का इस्तेमाल वो ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इससे और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हालांकि अभी ये शुरुआत है और शुरुआत में ही अभी तक ग्रैप टू लग गया है, और आने वाले समय में माना जा रहा है कि प्रदूषण की जो मात्रा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में दिवाली है और दिवाली के समय में जो पटाखे चलाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनसे भी प्रदूषण बढ़ेगा। हालांकि दिल्ली NCR में साफ तौर से बैन किया गया है कि कोई भी पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, बल्कि सिर्फ ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इन सब के बावजूद भी जब पटाखे जलते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनसे भी प्रदूषण बढ़ेगा, और आने वाले दिनों में इस प्रदूषण की जो मात्रा है वो इस आबो हवा में और ज़्यादा जहरीली हो सकती है। तो इसलिए प्रदूषण से अगर बचना है तो इसके लिए खुद को भी सावधानियां बरतनी होंगी। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम।